हाँ जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले हो जाए हम थोड़ा तैयार शैयार, ठीक है? तो आई लव दिस शेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो हमारी गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज जो है मैं एलिज़म ब्यूटी के ब्रश सेट का जो रिव्यू देने वाली हूँ, और मैं बताऊँगी आपको कि ये ब्रश किस तरह यूज़ करना है, दूसरा ब्रश किस तरह यूज़ करना है, तीसरा किस तरह यूज़ करना है। तो जितने भी इसके ब्रशेज हैं मैं आपको आज बताऊँगी। लड़कियों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है कि ये ब्रश कैसे यूज़ होगा, वो कैसे यूज़ होगा, नहीं पता होता, काफ़ी नॉलेज नहीं होती। तो मैं आज डिटेल दे दी जाऊँगी एक एक ब्रश की, और बताती भी जाऊँगी कि वो ब्रश किस तरह से हम अपने फेस पर, आई पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ब्रश से, ब्रश काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, स्पेशली आई ब्रश में। आई ब्रश में लड़कियाँ कन्फ्यूज हो जाती है कि हम आउटर कॉर्नर किस तरह से बनाएं, लोअर लेश पे कौन सा ब्रश यूज़ करें। तो ठीक, आज वो मैं आप सबको डिटेल देने वाली। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो, यानी मेरी वीडियो के मेरे कोई भी ब्लॉग्स हो, मेरे कोई भी चैलेंजेस हो, मेरे कोई भी रिव्यूज़ हो, मेकअप वीडियोज़ हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब फौरन उसे देखिए और चेक करेंगे क्या आज आया है बुशरा हारून की वीडियो में, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंतज़ार रहता है मेरी वीडियो का, तो मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा बिजी है। अभी भी मैं रात को जो है ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जिम, घर के काम, अब्बू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत। ओके जी, तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। तो ठीक है, तो आज जो है मैं एलिज़म ब्यूटी के ब्रश पैलेट का जो है पूरा रिव्यू देने वाली हूँ। अच्छा, इनकी पैकेजिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने इसमें मैंने ऑर्डर किया था, इसमें इनके बैग बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इनके सिर्फ ब्रश सेट नहीं है, इनके टिंट भी अच्छे हैं, और इसके अलावा इनके फाउंडेशंस भी हैं और लिपस्टिक शेड्स भी हैं, वो भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ इजीली सर्च करें। इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो ठीक है, इनकी पैकेजिंग कुछ रे तो नहीं है। ओके जी, तो ये ब्रश सेट आए हुए हैं, ब्रशेस आए हुए हैं इनके सेट में। तो मैं वन बाय, अच्छा इनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ये अच्छा इन्होंने लगाया हुआ है कि इससे हमारे क्या ब्रश जो होते हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे, आप इसको वॉश करके अच्छे से रख सकते हैं अपने पास, काफ़ी लाइफ टाइम चलेंगे ये आपको। लेकिन ये है कि आपके यूज़ करने के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं। मैं अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। ओके जी, तो पहले तो मैं जो है, हाँ, इसको खोलते हैं, ठीक है, ताकि मैं क्लियरली आपको बता सकूँ कि फेस ब्रश कौन से हैं और आई ब्रश कौन से हैं। ओके जी, तो ये पांच ब्रशेज हैं जो ये फेस सेट के लिए हैं, ठीक है, सही है। अब इसमें से एक एक ब्रश मैं बताती जाऊंगी कि कौन सा किस तरह से यूज़ करना है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस हैं, काफ़ी लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि किस तरह ब्रशेस को यूज़ किया जाए। अच्छा, सब मेकअप का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वही ब्रशेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको इन ब्रशेज का इस्तेमाल पता चल गया और आपको करने का तरीका आ गया तो ये मेन है, सही। तो सबसे पहले इसका समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ब्रश का समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ब्रश को किस तरह से हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैं बता रही हूँ ये वाला जो है, अच्छा इनके ब्रश की मैं ज़रा आपको खासियत बताऊँ, ब्रश की जो सबसे ख़ास बात ये कि बहुत सॉफ्ट है, फेस पर ईजीली इनकी एप्लीकेशन हो जाएगी। मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें फेस पर, बहुत ईजीली एप्लीकेशन, चाहे वह ब्लश हो, चाहे वह कंटोरिंग हो या हाइलाइटर हो, इनके ब्रशेस बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत फ्लफी हैं, मज़ा, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रश ये जो है ये वाला, इस तरह का, ठीक है, बिल्कुल जो गोल है ये ब्रश, ये है फाउंडेशन ब्रश। आप अपने फेस पे कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ब्रश एप्लीकेशन
अच्छे से ये ब्लांट आउट हो जाएगा। अभी मैं यूज़ नहीं कर रही इसको, ठीक है। मैं आपको एक एक ब्रश बता रही हूँ और इनका रिव्यू दे रही हूँ ब्रश का, और बहुत फ्लफी ब्रश है। अच्छा, ब्रश सेट जो है ना आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छा ब्रश सेट होना चाहिए। जब सबसे अच्छा ब्रश सेट यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका मेकअप ऑलरेडी अच्छा होगा। आई मेकअप हो, फेस पर हम अपने मतलब के पाउडर हो और कॉन्टोरिंग हो, ये ब्रशेज अच्छे होंगे तो हमारे फेस जो है अच्छा। तो ये पता चल गया आपको, ये है बिल्कुल इनका फ्लफी ब्रश, ये बिल्कुल गोल सर्कल की तरह बना हुआ। ये है फाउंडेशन ब्रश जिसका नंबर है 02, ठीक है। ये फाउंडेशन ब्रश है मेरे हाथ में, जो जैसे आ रही मैं वैसे बताती जा रही हूँ। ये सारे फेस ब्रश जो मैंने आपको बताए ये फेस के हैं, ठीक है। तो पहला जो है फाउंडेशन ब्रश, ये हो गया, और इसकी एप्लीकेशन इजीली हो जाएगी, फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो आता है हमारा 01, ये है पाउडर ब्रश, ठीक है। 01 पाउडर ब्रश, अच्छा ये बहुत ही भी बहुत फ्लफी है, अगर हम इसे ब्लशर अप्लाई करें तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप इसे ब्लशर भी लगा सकते हैं, और ये वैसे तो ये पाउडर ब्रश है, ये जो सबसे बड़ा है 01, और बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत फ्लफी ब्रशेस हैं, इजी इनके मतलब कि आप फेस पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो वो इजीली अप्लाई हो जाते हैं, अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो 01 सही, ये हमारा पाउडर ब्रश है, सही है। नेक्स्ट जो इसके बाद हम आते हैं, अच्छा पाउडर ब्रश को हम ब्लश पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है कॉन्टोरिंग, कॉन्टोरिंग ब्रश, ठीक है। कॉन्टोरिंग ब्रश, जो कॉन्टोरिंग होती है ये थोड़ा सा देखिए इस शेप में आ रहा है, कर्व में आ रहा है, सही है। तो ये जो है ये कॉन्टोरिंग ब्रश है, ब्रश नंबर 04 कॉन्टोरिंग ब्रश है, ठीक है। 04 कॉन्टोरिंग ब्रश है, सारे ब्रशेस बहुत सॉफ्ट हैं, और इनकी एप्लीकेशन आप भी ज़रूर यूज़ करें और मुझे ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे ऑर्डर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूँगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये है एक्चुअली ब्लश ब्रश, ठीक है, ब्लशन ब्रश है ये, 03 ब्लशन ब्रश, सही है। ब्लशन ईजीली इससे अप्लाई हो जाएगा, ये मैं इसका यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊँगी मेकअप की, मतलब मैं जब मेकअप फिलहाल करूँगी एंड ब्रश सेट के साथ, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊँगी, एक ट्यूटोरियल ज़रूर दूँगी। अच्छा, ये जो है हमारे जो मेकअप का मेन पार्ट है हाईलाइटर ब्रश। अच्छा, हाईलाइटर जो है हम वैसे तो इस तरह के जितने भी छोटा बड़ा कोई भी ब्रश हो उससे हम अप्लाई कर सकते हैं, और इसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। हाइलाइटर ब्रश है ये, हाइलाइटर ब्रश, हाइलाइटर ब्रश में हमारे फेस मतलब सॉरी आई मेकअप का एक ऐसा ब्रश है उससे भी हम हाइलाइटर लगा सकते हैं, हाइलाइटर इससे भी लग सकता है, दूसरा फ्लफी ब्रश है उससे भी लग सकता है। इससे थोड़ा सा जो छोटा है, जो आई मेकअप के साथ, जो आई मेकअप के ब्रश के साथ मैंने रखे हुए कि आई मेकअप इन इन ब्रश के साथ करते हैं, सही है। ये है हाइलाइटर ब्रश, इसका नंबर है 05, ठीक है। ये पांच ब्रशेस जो हैं ये फेस सेट के थे जो मैंने आपको समझा दिए, जो बता दिए, ठीक है, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये हमारे आई मेकअप के साथ जो ये ब्रशेस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रशेज हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ब्रशेज जो हैं ये आई ब्रश मतलब आई मेकअप के साथ ही यूज़ होंगे, और इनका भी एक एक मैं बताऊंगी कि किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा ब्रश क्या है, कौन सा ब्रश क्या है, ठीक है। एक एक ब्रश का मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मेरे हाथ में आया है ये है अच्छा डायरेक्ट से 10। इससे जो पता क्या है, इससे जो है हम अपनी लोअर लैश लाइन बना सकते हैं। लोअर लैश लाइन बनाने के लिए बहुत ईजी रहेगा ये वाला जो ब्रश है, फ्लफी ब्रश, ये भी थोड़ा सा इस तरह है, ये वाला ब्रश, ये ब्रश जो है, ठीक है, ये जो है ओके। तो लोअर लैश लाइन ब्रश बताया मैंने, और इसके बाद जो है ये वाला ब्रश जिसका नंबर है 08, इसे हम अपने आई लिड पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली। जो भी आप कोई भी शेड खाएं, आपको आई लिड पे कोई भी शेड अप्लाई करना है तो ये इजीली
ब्लेंड आउट हो जाएगा, इजीली हमारे आईलिड पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आता है हमारा, अच्छा ये तो सबको पता होगा, ये लाइनर ब्रश है जो कि है 13, ठीक है। ये लाइनर ब्रश है, केक लाइनर, जेल लाइनर, कुछ भी लगाना हो इजीली अप्लाई हो जाएगा। अच्छा इसके बाद जो है ये नंबर, अच्छा ये ब्रश जो है इसे हम अपने आईब्रो सेट कर सकते हैं। आप कोई भी ब्रो पाउडर लेकर आप इस अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हैं, अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। ये ब्रश आईब्रो इन्हेंसिंग का है, ठीक है, जिसका नंबर है 11। अच्छा इन्होंने सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, मेरा ये वीडियो बनाने का पूरा मेन मकसद ही यही है कि मैं आपको एक एक डिटेल, एक एक ब्रश की डिटेल बताती जाऊँ, सही है। ये सारे बेसिक ब्रशेज हैं जो हमें मेकअप में, आई मेकअप में, फेस मेकअप में का बहुत कंपल्सरी होते हैं जिनका यूज़ करना। अच्छा एक ये वाला जो है आई ब्रश, इससे हम अपने नोज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें नोज़ कंट्रोल करनी होती है। हाँ नोज़ कंट्रोल ईजीली हो जाएगी, नोज़ कंट्रोलिंग ईजीली हो जाएगी। इसे हमें अपने आउटर कॉर्नर थोड़े से डीप बनाने हैं, डीप आउटर कॉर्नर से बनेगा, ये है 09, इस तरह का थोड़ा सा कर्व शेप में ये ब्रश है। इससे हम डीप ये आउटर कॉर्नर भी बना सकते हैं अपनी आईज़ के, और कॉन्टोर नोज़ कॉन्टोर भी कर सकते हैं, नोज़ कॉन्टोर इससे ईजी हो जाएगा, नोज़ कॉन्टोर और ब्लेंड भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, सही। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रश आता है हमारा ये है, अच्छा दूसरा जो फ्लफी ब्रश है इससे भी हम हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इजीली हाइलाइटर अप्लाई हो जाएगा नोज पे, इस पे, यहाँ इजीली जो हम आईब्रोज के नीचे जो लगा रहे होते हैं हाइलाइटर, यहाँ भी जल्दी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा इसके बाद जो आता है 07, अच्छा सॉरी इसके बाद जो है सेकंड फ्लफी ब्रश जो है, इससे हम अपने क्रीज इजीली बना सकते हैं। हमें कोई भी क्रीज आईज बनानी हो तो हम इजीली इससे बना सकते हैं, जिसका नंबर है 07। ये भी आई ब्रश है, सारे ब्रशेज बहुत सॉफ्ट हैं। आप फेस पे मतलब कि फेस ब्रशेज आप फेस पे अप्लाई करें, आई ब्रशेज आप आई पे अप्लाई करें, मतलब ब्लेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत इजीली ब्लेंड आउट हो जाएगा और बहुत प्यारी आईज़ भी बनेंगी। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं ये ब्रश सेट यूज़ करूं और आप लोगों के साथ एक ट्यूटोरियल शेयर करूं एलिज़िम ब्यूटी के ब्रश सेट का, ठीक है। अच्छा ये ब्रश होता है, ये तो सबको पता होगा, इसे हम अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा आ गए, ठीक है, इससे हम अपने आईब्रोज को अच्छे से सेट कर सकते हैं। जो हम आईब्रो इनहेंस ब्रश जो मैंने बताया उसके बाद जो है सेटिंग करते हैं वो हम इस ब्रश से कर सकते हैं। ठीक है बहुत इजी रहेगा। आई ब्रशेज भी मैंने बता दिए कि कौन सा ब्रश किस तरह से यूज़ करने हैं, आईलिड पर, लोअर लैश पर और आउटर कॉर्नर बनाने के लिए और नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए। अच्छा जो ब्लश, दूसरी बात जो मैंने ब्लश एंड ब्रश बताया था उससे हम ब्रॉन्ज भी कर सकते हैं, ब्लश एंड ब्रश से ब्रॉन्ज भी कर सकते हैं। और जो पाउडर ब्रश है उसका ज़रूरी नहीं कि आप पाउडर ब्रश पाउडर यूज़ करने के लिए हो, लूज़ पाउडर यूज़ करने के लिए, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ करने के लिए हो, नहीं आप उससे ब्लशन भी लगा सकते हैं। ये जो है ये ब्रश, इससे मैं ब्लशन भी हम लगा सकते हैं, वाकई बहुत ज़बरदस्त ब्लशन लगेगा अगर हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे ब्लशन की, तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और जो ब्लशन ब्रश है इससे हम ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं, अपना ब्रॉन्ज भी कर सकते हैं। तो अब ज़रा थोड़ा हम थंबनेल की तरफ आ जाए, थंबनेल के लिए भी पिक्चर लेना ज़रूरी है, ठीक है। मुझे मरियम परवेज़ की एक पिक्चर बहुत पसंद है जो उनकी कॉस्मेटिक के साथ भी है, जो उन्होंने ब्रश के साथ, आई लव मरियम आप भी, ठीक है। मैं आपकी कोई वीडियोस नहीं छोड़ती, मुझे आप बहुत पसंद है, तो कोई भी वीडियो आपके फ़ौरन अपलोड होती है तो मैं ज़रूर देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आई लव यू दिल से मरियम आप भी, आई लव यू, ठीक है। जो जो मरियम परवेज़ जो हैं, इनका यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जाकर करते हैं। बहुत अच्छी ब्लॉगर भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही होती है, एक हाउसवाइफ है, बहुत
अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अच्छा, उनका एक पोस्ट था जो मुझे बड़ा पसंद आया था, तो मैं बनाने की ज़रा कोशिश करती हूँ। पूरी वीडियो बनाने के बाद थंबनेल भी तो बहुत ज़रूरी है ना, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हमारी यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बहुत ज़रूरी है। आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं थंबनेल ज़्यादातर पिक्चर ले नहीं पाती, तो मैं अपनी वीडियो से ऐसे उठा के डाल देती हूँ, ठीक है। तो आज सोचा मैंने, आज ब्रश सेट का दे रही हूँ एलिजिम का, तो मैं एक अच्छी सी पिक्चर, एक अच्छे से थंबनेल में बनाऊँ। लोगों को आज का जो एलिसन बीटी का जो ब्रश पैलेट का जो रिव्यू था वो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआ में खास खास याद रखें, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे अब्बू को। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।